जौनपुर जनपद के खुटहन थाने के पुलिस तथा क्राइम ब्रांच ने 5 लाख की अवैध शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध असलहा कारतूस, मोटरसाइकिल तथा 4 पहिया गाड़ी भी बरामद हुई। आशंका है कि बरामद शराब होली तथा चुनाव में खपाने के लिए लाई गई थी। जौनपुर से पीबीसी रिपोर्टर कृपा शंकर यादव के साथ शशिकांत मौर्य की ये रिपोर्ट। 15 बोर का 2 जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किए गए हैं। 1 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाची, 1 स्कॉर्पियो और 1 हुंडई i10 ये भी हुई है। इसमें 6 शराब तस्कर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मेन सरगना जो है यहाँ पर जो शराब मंगाता था, संगम यादव शाहगंज का रहने वाला, और सुरेश विश्वकर्मा जिसके यहाँ ये शराब स्टोर किया थी वो भी गिरफ्तार है। इसके अलावा हिमांशु गुप्ता, आदित्य राज, ऋषभ यादव, सोनू यादव ये सब लोग भी गिरफ्तार हैं। लोकल ये शाहगंज कुटन और इसी एरिया के लोग रहने वाले थे। तो इसमें टीम ने अच्छा कार्य किया है और ये जो जनपद की जो शराब वगैरह थी ये आसपास के जनपदों में चुनाव के दौरान में भी इसकी खपानी की योजना थी। तो इस पर अच्छा कार्य किया, इनको 5000 रुपये का मेरे द्वारा रिकॉर्ड मिला। सर ये शराब कहाँ से आ रही थी और मतलब? देखिए ये हरियाणा से शराब वगैरह मंगाते हैं और फिर यहाँ पर जो है लोकल आसपास का एरिया है, आसपास के जनपद है उसमें खपाते हैं, यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो इस पर जो है कार्रवाई की गई, आगे हम इसमें गैंगस्टर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, गैंगस्टर भी इसमें। सर सारे मेंबर्स पकड़े गए हैं, कुछ बचे? इसमें 6 मेंबर्स थे, 6 के 6 पकड़े गए हैं। तो पुलिस ने कोशिश किया कि पुलिस सप्लाई चेन को पकड़ा जाए, वहाँ से जो हरियाणा से भी इनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पर भी ध्यान। इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? एज ऑफ नाउ तो हम लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो देख रहे हैं हम लोग, इनका आपराधिक इतिहास क्या है। और इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, 71/52 और 72/52, 2 मुकदमे से पंजीकृत किए गए। We'll be right back.